महिंद्रा थार, ये गाड़ी 1 साल पहले लॉन्च हुई थी और 1 साल बाद अभी भी अगर आप गाड़ी बुक करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1 साल का वेटिंग टाइम मिलेगा। मतलब ऐसा क्या है महिंद्रा थार में कि लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं, और महिंद्रा ने इतना ज़बरदस्त ब्रांड कैसे बनाया? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार महिंद्रा थार इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो जल्दी से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अब यार महिंद्रा थार ऐसी गाड़ी हो गई है, या तो आपको बहुत पसंद आएगी या आप हेट करोगे, पर इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी होते हैं जो कि रिकॉर्ड नंबर में बिकते हैं, फिर कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं कि यार जो आपके दिल में रहती हैं, पर फिर आती है महिंद्रा थार जैसी गाड़ियाँ जो कि एक पूरा कल्ट स्टेटस बन जाती है। और महिंद्रा थार वैसे तो पिछले साल अगस्त 15 को अनाउंस किया था, उसकी जो पहली गाड़ी थी वो 1.1 करोड़ रुपीज़ में बिकी थी। ये जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किया गया था, और इनिशियली इसकी प्राइस 9.9 लाख टू 13.75 लाख रखी गई थी। उसका डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी और चिप शॉर्टेज और पार्ट्स भी महंगे होने लगे तो प्राइस को अपडेट करके 12.75 लाख टू 15.08 लाख तक कर दी गई है। पर फिर भी यार डिमांड रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा वो कल्ट स्टेटस कैसा बना, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीज़न महिंद्रा थार के इतने सक्सेसफुल होने का ये है कि इनकी काफ़ी अच्छी लेगेसी और हिस्ट्री है। तो भैया आजकल तो यार इतनी सारी गाड़ियाँ लॉन्च होती रहती है, कब आती है कब डूब जाती है किसी को आइडिया नहीं रहता। अब तो यार कंपनियाँ भी डूब जाती हैं, बट महिंद्रा थार की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। वैसे तो 2010 में पहली थार लॉन्च हुई थी और उसमें तो यार एसी भी नहीं था, बट उससे पहले महिंद्रा ने इसी सिमिलर टाइप के काफ़ी ज़बरदस्त एसयूवी लॉन्च किए थे, और इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस के टाइम 1949 में CJ3A से हुई थी। उसके बाद 1953 में CJ3B आई, उस टाइम में ये जीप के साथ कोलैबोरेट करते थे। फिर 1985 में MM540 आई और 1996 में महिंद्रा क्लासिक आई। तो ये जो गाड़ियाँ थी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा इन गाड़ियों को यूज़ किया जाता था क्योंकि रोड्स उस टाइम इतने बढ़िया थे नहीं, और ये गाड़ी असली 4x4 गाड़ी थी। मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। तो क्योंकि इस गाड़ी की इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारे मेमोरीज़ भी लोगों के अटैच रहते हैं, जैसे कि अगर उनके पापा या दादा के पास ये गाड़ी होती है तो उससे एक नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर आता है। तो ये एक रीज़न है कि यार महिंद्रा थार इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अगला रीज़न महिंद्रा थार के इतना पॉपुलर होने का ये है कि यार एसयूवी मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब आपको पता है कि यार पिछले कुछ सालों में सबको धीरे धीरे एसयूवी चाहिए, बट अभी आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार जो इंडिया का एसयूवी मार्केट है ना, वो इंडिया के हैचबैक और सेडान के मार्केट को दोनों को कंबाइन कर दोगे उससे भी ज़्यादा है। और अब तो यार पैंडेमिक के बाद काफ़ी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके खुद की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो इसलिए गाड़ियों की भी धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह कि पहले महिंद्रा थार को लोग अपनी सेकेंड या थर्ड व्हीकल की तरह खरीदते थे, जो कि वीकेंड्स में यूज़ करते थे। और थार जैसा कि नाम है, यूजुअली राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर केरला के ऑफ रोड रीजन में यूज़ होता था, बट अब क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है और एसयूवी की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो ये जो हमारे यूथ हैं, जो मिलेनियल्स हैं, वो भर भर के थार को खरीद रहे हैं एज उनकी फर्स्ट गाड़ी, और इसीलिए आप देखेंगे इतनी ज़्यादा डिमांड है। तीसरा रीज़न महिंद्रा थार के इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ये है कि यार ये जो थार है ना, काफ़ी एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अब यूजुअली आप देखोगे कि यार हर एक सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट ब्रांड से। मतलब 7 से 9 लाख के रेंज में आपको टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, मारुति सुजुकी ब्रेजा, ये सब मिल जाएगा। उसके बाद 10 से 13 लाख के रेंज में आपको मिल जाएगा ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस इत्यादि। और उसके बाद उसके ऊपर वाले रेंज में तो फिर यार टाटा हैरियर, MG एक्टर, जीप कंपस इत्यादि सब हैं। पर ये अपने आपको SUV जैसा दिखाती तो हैं, ये एक्चुअल में असली SUV नहीं है। मतलब ना ये कोई 4x4 गाड़ी है, प्लस इनका सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बट असली ऑफ रोडिंग आप इन गाड़ियों में कर नहीं सकते हो। और महिंद्रा का जो एडवेंचर डिवीजन है वो तो यार 10 साल से ऑफ रोडिंग ड्राइव्स और ये सारा कंडक्ट कर रहा है, तो उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि यार ऑफ रोडर्स कैसे बनाते हैं, 4x4 कैसे बनाते हैं। और तो और महिंद्रा एक्चुअल में जानी भी तो यार अपनी SUV के लिए ही जाती है। तो ये एक रीज़न है कि यार जो थार है उसका एक्चुअल में कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यार थार की जगह आप कोई अल्टरनेटिव गाड़ी खरीद सकते हो।
अगर आपको असली ऑफ रोडर चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में, तो भैया आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी 4x4 ऑप्शन है, उसके लिए आपको मिनिमम 20-22 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। चौथा और फाइनल रीज़न महिंद्रा थार के इतना सक्सेसफुल होने का ये है कि यार उन्होंने एक्चुअल में यूज़र का फीडबैक लेके उसको इम्प्लीमेंट किया। तो भैया पहली वाली थार भी अच्छी थी, बट यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूजुअली उसको एज अ सेकेंड या थर्ड व्हीकल लोग लेते थे। महिंद्रा ने जब यूज़र फीडबैक लिया, उन्होंने देखा कि यार ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए तो बहुत बढ़िया है, बट यार नॉर्मल सिटी यूज़ में काफ़ी दिक्कत है, उसमें इतना कंफर्ट नहीं है जितना लोग चाहते हैं। तो अगर वो एक ब्रॉडर मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और अपडेट करना पड़ेगा। बट अभी आप देखेंगे गाड़ी के अंदर 7-inch टच स्क्रीन डाल दिया है, बहुत ज़बरदस्त सीट्स डाल दिए हैं, और तो और क्रूज़ कंट्रोल और भी कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स डाल दिए हैं। पहले थार सिर्फ डीजल ऑप्शन में अवेलेबल था, अब पेट्रोल ऑप्शन में भी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक ऑप्शन में भी अवेलेबल है। इसके अलावा 650 mm पानी के अंदर जा सकता है और BS6 के रूल्स को तो फॉलो करता ही है। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी के मामले में 4-star रेटिंग मिली है GNCAP से, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इनका अपना अलग से आइकॉनिक डिज़ाइन तो है ही। इसकी वजह से आप देखेंगे कि यार एक साल में 75,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स हो गई है, धीरे-धीरे डिलीवर कर रहे हैं, महीने का 3,000 से 3,500 गाड़ियाँ डिलीवर कर रहे हैं, पर हर महीने तो यार 6,000 के ऊपर बुकिंग आ रही है। ऊपर से अभी चिप शॉर्टेज भी है, देखते हैं कब तक वो अपना ऑपरेशन स्केल अप कर सकते हैं। बट अभी यही जो फ्रेमवर्क उन्होंने महिंद्रा थार को बनाने में यूज़ किया है, वही सेम फ्रेमवर्क महिंद्रा यूज़ करना चाहती है अपना कमबैक करने के लिए। मतलब 2012 के टाइम महिंद्रा करीब 12% मार्केट शेयर था पैसेंजर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, इंडिया की 3rd largest ऑटोमेकर थी, अब गिर के ये 6% हो गया है, इंडिया की 5th largest बन चुकी है, और टाटा मोटर्स वहाँ पे 6th position से बढ़ के 3rd position में आ चुका है। SUV में तो और भी यार नुकसान हुआ है, 2012 के राउंड जब उन्होंने XUV500 निकाली थी, तब इनका 50% ज़्यादा मार्केट शेयर था, अब 4th position में है मारुति सुजुकी, ह्यूंडई और किया के बाद। तो अब महिंद्रा ने डिसाइड किया है कि यार वो पूरा ही SUV पे फोकस करने वाले हैं, इधर उधर की सारी टाइप की गाड़ियाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यार जहाँ उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है उन टाइप की गाड़ियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देखेंगे कि यार वो धीरे धीरे जो मराजो है, KUV100 है, इन सबको बंद कर देंगे, क्योंकि इनका एम है कि यार ये ऑथेंटिक SUV बनाए जो कि टफ हो, सोफिस्टिकेटेड हो, किसी का कॉपी ना हो। ये ना हो कि भैया क्रेटा का ऑल्टरनेटिव बना दिया या फिर हैरियर का ऑल्टरनेटिव बना दिया है, ये अपना अलग से सेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने XUV500 से किया था, और होपफुली अभी XUV700 से भी करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। तो इसीलिए डिज़ाइन, प्रेजेंस, सोफिस्टिकेशन, सेफ्टी, टफनेस, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, और धीरे धीरे देखेंगे यार अगले कुछ सालों में इनका नया बोलेरो, नया स्कॉर्पियो और भी कई नई गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आने वाली हैं। 2-wheeler के सेगमेंट में तो इन्होंने जावा मोटर के साइकिल के थ्रू एंट्री ले ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यार क्या महिंद्रा कमबैक कर पाएगा, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना। और ये थी यार महिंद्रा थार के ऊपर केस स्टडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे बताना कि वीडियो कैसे लगी, और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ यार, आप सब बोल रहे थे कि यार बिजनेस केस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करो, वही हम कर रहे हैं। तो भैया वीडियो सबके साथ शेयर पक्का से कर देना, लाइक और कमेंट भी करना मत भूलना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।